सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको भी इंस्टाग्राम स्टोरी किसी को भी मतलब आपका कोई भी देख रहा है, आपको व्यूज शो नहीं हो रहा है, स्टोरी व्यूज अगर आपको शो नहीं हो रहा है, तो आप जो है किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो, किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, अगर गाइस नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस सिंपली यहाँ से अगर आप स्टोरी वाले आइकन पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपका अगर व्यूज शो नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपल गाइस कर लेना क्या है, आपको सिंपली अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम। सर्च करने के बाद पहले नंबर पर आ जाएगा, तो इसको आपको कुछ इस तरीके से लाइक अपडेट दिखेगा, तो अपडेट आपको कर लेना है। अपडेट करने के बाद ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। अगर अपडेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आपके सही नहीं हो रही है, तो सिंपल जाना आपका गाइस अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से ऊपर यहाँ पर आपको सर्च करना है ऐप्स, ठीक है, ऐप मैनेजर आपको यहाँ से सर्च करना है, ऐप मैनेजमेंट। उसके बाद ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप ऊपर सर्च बार पर क्लिक करके इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजर्स का, ठीक है, इसके ऊपर डाटा यूजर्स वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है, स्टोरेज यूजर्स वाले। उसके बाद कैच क्लियर कैच मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लियर डाटा करने से जो आपका अकाउंट यहाँ से इंस्टाग्राम से जो डिलीट मतलब लॉगआउट हो जाएगा, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो ये आप ध्यान से देख लेना। अगर आपको क्लियर कैच कर देना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, स्टोरी व्यूज शो नहीं हो रहा है। तो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आपको सिंपली जाना है अपने मोबाइल के अगेन इंस्टाग्राम में सिंपल चले जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको थ्री लाइंस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से गाइस काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको जाना है स्टोरी वाला आइकन पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ स्टोरी वाला आइकन कहाँ है, तो जाता हूँ सर्च बार में, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ से स्टोरी यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हो मैसेजेस कंट्रोल स्टोरी रिप्लाइज शो एक्टिव स्टेटस, स्टोरी रिप्लाइज पर आपको क्लिक कर देना है। अलाउ स्टोरी रिप्लाइज फॉर एवरीवन आपको इसमें रख देना है। उसके बाद आप जो भी स्टेटस स्टोरी लगाओगे वो सबको शो होगी और सब देखेंगे, वो आपको भी शो हो जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।